किसान दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे ने तां उत्थे ही समय समय ते संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों भी ऐलान दित्ते जांदे ने अते संयुक्त किसान मोर्चे दे ऐलान ते जिहड़ा अज देश भर दे विच खेती कानूनां दीआं कापियां भी पाड़ियां जाणगीआं ते नाल बीजेपी लीडरां दा जिहड़ा विरोध भी कीता जाएगा। इस तों पहलां भी जेकर गल करिए 6 महीने जिहड़े किसानी अंदोलन होए ने, जेकर किसान 6 महीनों के चलते दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे ने तां उत्थे ही जिहड़ा समय समय ते ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कीता गिआ सी, तां इस तों पहलां भी जिहा इक ऐलान कीता गिआ सी जिस दे विच संयुक्त किसान मोर्चे ने ही कहा सी कि खेती कानून दीआं कापियां पाड़ियां जाण, फिर चाहे लोहड़ी वाले दिन होवे 13 जनवरी नूं जदों सिंघू दी स्टेज दे सामने बिल्कुल जिहड़ा खेती कानून दीआं कापियां पाड़ियां गईआं सी, अते लगातार वक्ख वक्ख सूबिआं दे विच वी इस तरह दा माहौल जिहड़ा देखण नूं मिलिआ। तां इक वार फिर संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों इह ऐलान कीता गिआ सी कि अज दे दिन यानी 5 जून नूं जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे दी कॉल ते देश भर दे लोक जां फिर किसान कह लईए कि उह संयुक्त जिहड़े खेती कानून काले कानून दे चलदे जिहड़ा विरोध कीता जा रिहा, तां उहनां कानूनां दीआं जिहड़ियां कापियां वी साड़नगे अते नाल बीजेपी लीडरां दी रिहायश दे अग्गे जा के उहनां दा विरोध करनगे, अते उत्थे ही जिहड़ियां खेती कानून दीआं कापियां ने जिहड़ियां बीजेपी लीडरां दी रिहायश दे अग्गे उहनां नूं साड़नगे। तां इस दे चलदे चंडीगढ़ तों तुहानूं तस्वीरां असीं दिखा रहे हां, चंडीगढ़ दे 18 सैक्टर तों जिथे बीजेपी प्रैजीडेंट संजय टंडन दे घर दे अग्गे बिल्कुल पक्की बैरीगेटिंग जिहड़ी पुलिस प्रशासन दे वल्लों कर दित्ती गई है। तस्वीरां तुहानूं फिर तों दस देवां कि चंडीगढ़ दे सैक्टर 18 तों असीं तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हां, जिथे किसानां दा हो सकदा कि क्योंकि बीजेपी दे स्टेट प्रैजीडेंट ने संजय टंडन उन्हां दा उत्थे रिहायश आ, ते उसदे बिल्कुल सामने तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरह के पुख्ते इंतजाम जिहड़े पुलिस प्रशासन दे वल्लों कर दिए गए हैं। बैरीगेटिंग उत्थे कर दी गई है, वाटर कैनन वालियां गड्डियां भी तुसीं देख सकते हो कि किस तरह तस्वीरां दे विच वड्डी लाइनां दे विच जिहड़ी बैरीगेटिंग तो बाद वाटर कैनन वालियां गड्डियां तुहानूं दिखाई दे रहियां। हुण इस तों पहलां भी गल करिए तां जदों भी बीजेपी लीडरां दा विरोध करन दी गल आउंदी आ तां पुलिस प्रशासन इकदम जिहड़ा एक्शन दे विच नज़र आउंदा, क्योंकि हरियाणा की गल कर लिए जां फिर पंजाब की गल कर लिए लगातार जिहड़ा विरोध किया जा रहा, स्पैशली बीजेपी लीडरां दा जिहड़ा विरोध किया जा रहा किसानी अंदोलन के चलते खेती कानूनों के चलते, जिसके चलते अज हुण ऐलान जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों किया गया सी कि बीजेपी लीडरां की रिहायश के सामने जाके जिहड़ियां खेती कानून दीआं कापियां ने उन्हां नूं साड़िया जाएगा, तो नाल ही जिहड़ा होर जिहड़ा विरोध भी उन्हां दा कीता जाएगा, जिसके चलते चंडीगढ़ तो तस्वीरां असीं तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं 18 सैक्टर दीआं जिथे बीजेपी के स्टेट प्रैजीडेंट संजय टंडन की रिहायश है, उन्हां दी कोठी आ जिसके सामने बिल्कुल बैरीगेटिंग पुलिस प्रशासन के वलों कर दी गई है, क्योंकि स्थिति का जायजा लैन तो पहले ही जिहड़ा पुलिस प्रशासन एक्शन दे विच नज़र आई है, क्योंकि हो सकता कि किसान उत्थे पहुंचण अते किसान हो सकता जदों कापियां साड़न जां विरोध किया जाए जां स्थिति काबू दे विच ना रहे उस तों पहले ही जिहड़े पुख्ते इंतजाम पुलिस प्रशासन के वलों कर दिए गए हैं। तस्वीरां दे राहीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरह पक्की बैरीगेटिंग जिहड़ी पुलिस प्रशासन के वलों कर दी गई है, उत्थे ही वाटर कैनन वालियां गड्डियां भी तुहानूं दिखाई दे रहियां होणियां कि तस्वीरां दे विच संजय टंडन की जिहड़ी कोठी आ रिहायश आ उन्हां दे बाहर वाटर कैनन दीआं गड्डियां भी उत्थे मौजूद ने, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे दे ऐलान ते इह कापियां ने जिहड़ियां खेती कानून दीआं साड़ियां जाणगीआं। इस तों पहलां दी गल कर लईए तां उदों भी कापियां साड़ियां गईआं ने खेती कानून दीआं, फिर चाहे उह लोहड़ी वाले दिन साड़ियां गईआं होण जां फिर उस तों बाद भी लगातार जिहड़ा किसानी अंदोलन दे विच जान पाउण दे लई कापियां साड़न की गल की जा रही है। तो हुण तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे सी, इस वेले साडे नाल फोन लाइन ते पत्रकार सुरखाब चंद साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां तों जानने की कोशिश करांगे कि किहो जी स्थिति उत्थे बनी हुई आ। जी सुरखाब, तस्वीरां तुसीं साडे नाल सांझियां कीतियां ने, पक्की बैरीकेटिंग जिहड़ी पुलिस प्रशासन दे वल्लों कर दित्ती गई आ, नाल ही वाटर कैनन दीआं गड्डियां भी मौजूद ने, किहो जी स्थिति आ जिहड़ी इत्थे बनी हुई है? जिन्ने भी राह ने सारे के सारे राह बंद कर रखे ने, इस घर नूं आउण वाले एक तरह पूरे छौई दे विच सेक्टर 18 तब्दील हो चुके आ। जेकर असीं इस वक्त वाटर कैनन की गल कर लईए जां जो बसां लियांदियां गईआं ने, ते जिन्ने भी इत्थे प्रदर्शनकारी इकट्ठे होणगे उहनां ते हो सकदा बल का प्रयोग किया जाए। ये कहते ना कहते क्योंकि उम्मीद लाई जा रही है कि वड्डा तथ देखने मिल सकता है, जिस तरीके एक साल पूरा हो गया है खेती किसान इसको लैके जो कॉल दी गई है प्रदर्शन ने संयुक्त रोस प्रदर्शन ने किए जा रहे हैं। गिनती जेकर मैं दसा किसानों की या प्रदर्शनकारियों की वही जा रही है लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, बुजुर्ग भी ने नौजवान भी ने बीबिया भी ने जो सारे इतने इकट्ठे हो के जो कि हम अगे वालों वन की तैयारी में जी जगविंदर।
जी सुरखाव पर जिहड़ियां तस्वीरां साडे तक पहुंचियां ने उस दे विच साफ देखिया जा सकता है कि पुख्ते इंतजाम पुलिस प्रशासन के वलों कर दिए गए हैं। तुसीं फील्ड ते उत्थे ग्राउंड जीरो तो लगातार कवर कर रहे हो, थोड़ी गलबात हुई है किसानां दे नाल, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे दे वलों जिहड़ा ऐलान दिता गया, सिर्फ ये कॉल दी गई सी कि सिर्फ कापियां साड़न तक ही सीमित रखा जाए ऐलान नूं। ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਤ ਟੰਡਨ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੜਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ठीक है सुरखाव, बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं लगातार बने रहो, थोड़े तो अपडेट भी लेंदे रहांगे। सो वड्डी अपडेट थोड़े नाल सांझी कर रहे हैं कि चंडीगढ़ के सैक्टर 18 के विच जिथे स्टेट प्रेजिडेंट बीजेपी के स्टेट प्रेजिडेंट ने संजय टंडन उन्हां दी रिहायश दे बार पुख्ते इंतजाम जिहड़े पुलिस प्रशासन के वलों कर दिए गए हैं। तस्वीरां दे राहीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरह बैरीगेटिंग उत्थे कर दित्ती गई है, वाटर कैनन वाली गड्डियां भी तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो। साडे पत्रकार सुरखाव चंद ने भी जिहड़ी जानकारी दित्ती है कि वड्डी गिणती दे विच किसान उत्थे मौजूद हो रहे हैं प्रदर्शन करन दे लई, क्योंकि एक पूरा साल हो चुक्या जे खेती कानून जिहड़ा 2020 दी गल कर लईए तां 5 जून नूं ही जिहड़े लियांदे गए सी, उस तों बाद राष्ट्रपति दे वल्लों मोहर लगा दी गई सी, तां एक साल पूरा होने तो बाद जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कॉल दी गई सी कि आने वाली 5 जून नूं जिहड़ा खेती कानून दीआं कापियां साड़ियां जाणगीआं बीजेपी दे जिहड़े लीडर ने उन्हां दी रिहायश दे बारे ते नाल ही जिहड़ा उन्हां दा विरोध भी कीता जाएगा, जिस दे चलदे पहलां भी तस्वीरां काफ़ी देखण नूं मिलियां ने कि वड्डी गिणती दे विच अजिहीआं घटनावां हो गईआं सी जदों ऐलान दित्ता गया सी, तां हुण उसे दे मद्देनज़र जिहड़ा पुलिस प्रशासन भी एक्शन दे विच नज़र आ रही है। जिहड़े प्रेजिडेंट ने स्टेट प्रेजिडेंट बीजेपी दे संजय टंडन सैक्टर 18 दे विच उन्हां दी रिहायश आ चंडीगढ़ दे किसानां नूं देख के जिहड़ा पुलिस प्रशासन दे वल्लों भी बैरीगेटिंग उत्थे कर दित्ती गई आ। वाटर कैनन वालियां तस्वीरां भी तुहानूं गड्डियां जिहड़ियां दिखाई दे रहियां होणियां तस्वीरां दे विच के लंमीआं कतारां दे विच जिहड़ियां वाटर कैनन दीआं गड्डियां भी उत्थे मौजूद ने, अते नाल ही हो सकता कि जेकर स्थिति काबू दे विच नहीं रहिंदी जिवें कि सुरखाव चंद ने भी सानूं जानकारी दित्ती आ कि वड्डी गिणती दे विच जिहड़े किसान ने उत्थे पहुँच रहे ने, हो सकता कि वड्डा प्रदर्शन किया जाए क्योंकि पूरा साल हो चुकिया, काफ़ी रोस आ किसानों के मनों के। उधर दूजे पासे गल कर लिए दिल्ली दीआं ब्रूहां ते किसान बैठे ने, जां हरियाणा की गल कर लिया जो उत्थे भी जिहड़ा राकेश टकैत ते गुरनाम चड़ूनी दे नाल समूहिक जिहड़े किसान ने उन्हां दे वल्लों भी गिरफ्तारी दित्ती जाएगी, क्योंकि उत्थे भी जिहड़ा मुद्दा सेम आ, ते नाल ही जिहड़ा एक बीजेपी दे विधायक सीगे दविंदर सिंह बबली उन्हां दा जिहड़ा विरोध किया गया सी, घिराओ किया गया सी, तां उस तों बाद किसानां ते ही पुलिस प्रशासन दे वल्लों परचे भी दर्ज किए गए सी, जिस तों बाद राकेश टकैत भी अज टोहाणा विखे पहुँच रहे हैं, उन्हां दे नाल हरियाणा तों किसान आगू ने गुरनाम सिंह चड़ूनी वह भी उत्थे पहुँच रहे हैं। हो सकता कि गिरफ्तारी उन्हां दे वल्लों दित्ती जाए, क्योंकि उन्होंने एक मंग की सी कि विधायक दविंदर सिंह बबली दे वल्लों जिहड़ी भद्दी शब्दावली की वरतों किसानां दे खिलाफ़ की गई सी, तां उसके चलते जिहड़ी माफ़ी उन्होंने मंगी जाए। हालांकि दविंदर सिंह बबली ने भी यह कहा कि मैनू समा दे वो दो दिनों तो बाद मैं माफ़ी मंग लवांगा, पर दो तो तीन दिन बीत चुके हैं, माफ़ी नहीं मंगी गई, जिस तो बाद हुण किसानां दे वल्लों जिथे संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल से वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा वक् वक् थावां ते, फिर चाहे हरियाणा होवे जां फिर पंजाब की गल कर लिए चंडीगढ़ की गल कर लिए, उत्थे भी जिहड़ा बीजेपी के स्टेट प्रेजिडेंट ने संजय टंडन उन्हां दी रिहायश का घिराओ किया जा रहा, तो देखना होगा कि जिथे पुलिस भी एक्शन के नज़र आ रही है, तो वड्डी गिणती दे विच किसान भी उत्थे पहुंचने, हो सकता कि प्रदर्शन करते करते, क्योंकि रोज़ काफ़ी आ बीजेपी लीडरां दे खिलाफ़ पहलां भी तस्वीरां काफ़ी वीडियोज़ देखियां ने जिस विच जिहड़ा विरोध किया जा रहा सी, तां किस तरह का माहौल उत्थे बन जाता, इसे दे चलते जिहड़ा मद्देनज़र पुलिस प्रशासन भी हुण जिहड़ा एक्शन दे विच नज़र आ रही है, बैरीगेटिंग कर दित्ती गई आ। लगातार जानकारी भी अपडेट भी तुहानूं दे रहे हां ते नाल ही तस्वीरां भी तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हां कि किस तरह पुलिस प्रशासन के वलों ये संजय टंडन की कोठी आ जिन्हां दी रिहायश दे बाहर वड्डी गिणती दे विच किसान उत्थे पहुँच चुके ने, अते हुण तों थोड़े ही समय दे माफ़ करना हुण तों थोड़े ही समय तो बाद जिहड़ा एक कापियां साड़न का जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल दित्ती सी वह भी उत्थे साड़ियां जाणगियां, ते वड्डी
ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ।